इस देश का जो परिचय है, जो पहचान है, अर्थात इसकी संस्कृति, इसकी एकात्मता, इसकी अखंडता, इसके लिए हजारों हजारों लोगों ने बलिदान देने की परंपरा है। देश के किसी भी कोने में जाता हूं, सौभाग्य से मुझे लगातार ये मौका मिलता है। दक्षिण में जाऊं, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, पूर्वोत्तर में, जगह जगह कितने लोग मिल जाते हैं। ये हमारे देश की भूमि ऐसे है कि हजारों हजारों युवा देश के हर कोने में निकल कर आते हैं, हर कोने से निकल कर आते हैं और वो लग जाते हैं इस देश के उत्थान में, इस देश के लोगों की सेवा में, और आज उनके बदौलत ही ये देश आगे बढ़ रहा है। वैसे हमने बहुत कुछ देखा, आक्रमणों का काल देखा, विदेशी दासता का भी काल देखा, मुगलों से, ब्रिटिशों से संघर्ष का समय भी देखा। हमने 1857 की लड़ाई को भी देखा और हमने 1941 की आजाद हिंद सेना में एक सामान्य विदेश की भूमि पर दूसरे देश के सैनिक बनकर और तीसरे देश के कैद में फंसे हुए सैनिकों का जो एक समर्पण था उसको भी हम लोगों ने देखा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के फॉरगॉटन हीरोज हैं, भूल गए हम लोग, या हमें भुलाने के लिए प्रयास किया जाए कि हम भूल जाएं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप ये देश की स्मृतियां इतनी मजबूत है, पता नहीं हमारा ब्रेन किस तरह से बनाया गया है, कितने प्रयास हो जाए यहां से हमारे भारत की गौरवपूर्ण स्मृतियां कभी समाप्त नहीं की जा सकती। कभी समाप्त नहीं की जा सकती।